वेलकम एवरीवन। इसका पहला जो वीडियो था वो मॉड्यूलर बोर्ड में स्विच कैसे फिटिंग करते हैं, स्विच का कनेक्शन, वो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप दिखाया था उस वीडियो में। वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज का वीडियो रहेगा फुल कनेक्शन बोर्ड के साथ, जो वायरिंग का तार यहाँ पे छोड़ के रखा हूँ वो स्टेप बाय स्टेप कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे पहले जितना भी सारा अर्थिंग का वायर है वो एक साथ कनेक्ट कर लिया और लूपिंग करके एक वायर जो है बाहर निकाल के रखा हूँ। और पहला कनेक्शन करेंगे इन्वर्टर का लाइन, 2A स्विच का नीचे में इन्वर्टर का लाइन दे देंगे और वहीं से ही एक तार जो है लूपिंग करके बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि दूसरा बोर्ड में भी ये तार जाएगा, दूसरे तरफ एक बोर्ड है उस तरफ कनेक्शन देना होगा। अभी करेंगे जितना भी सारा न्यूट्रल का वायर है, इनकमिंग आउटगोइंग, जितना भी सारा यहाँ पे न्यूट्रल का वायर है वो सब एक एक करके आपस में कनेक्ट करेंगे। और एक न्यूट्रल का वायर जो है यहाँ से ही लूपिंग करके बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि ए बोर्ड में भी न्यूट्रल देना होगा और दूसरी तरफ जो बोर्ड है वहीं पे भी न्यूट्रल देना होगा। तो अच्छे से कनेक्शन कर लेंगे और लूपिंग करके एक तार जो है बाहर निकाल लेंगे न्यूट्रल के लिए, और प्लायर की मदद से अच्छे से कस देंगे, फिर टेपिंग भी करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा भी लूज़ नहीं रखना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल 0-0 के तरह यहाँ पे टाइट करना है। फिर अच्छे से टेपिंग कर देंगे और टेपिंग करने के बाद दूसरी तरफ ये जो न्यूट्रल का वायर है ये दे देती हूँ। और यहाँ पे जो न्यूट्रल का वायर लूपिंग करके रखा हूँ ये येलो वाला, ये भी इस साइड में कनेक्शन होगा। और अभी कनेक्ट करेंगे यही रूम के अंदर जो दूसरा बोर्ड गया है, दूसरा बोर्ड में जो लाइन गया है उसमें इन्वर्टर का लाइन देंगे। जो इन्वर्टर का लाइन यहाँ पे इन कराया, कनेक्शन दिया, वही से लूपिंग करके दे देंगे, ठीक है। तो कनेक्शन तो कर लिया, अभी प्लायर के मदद अच्छे से कस देंगे, फिर टेपिंग करेंगे। काम जो है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, कोई भी एक स्टेप छोड़ के दूसरा स्टेप पे नहीं जाएंगे। और अभी कनेक्शन करेंगे एक साथ जो मेन फेज़ है, जो इनकमिंग मेन फेज़ और आउटगोइंग मेन फेज़ एक साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो इनकमिंग फेज़ आया और आउटगोइंग जो फेज़ दूसरे बोर्ड में जाएगा, एक ही रूम के अंदर जो दूसरा बोर्ड है उस बोर्ड में भी मेन सेम फेज़ जाएगा, दूसरा कोई फेज़ नहीं जाएगा, वो फेज़ आपस में कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद अच्छे से प्लायर के मदद से कस देंगे, फिर से टेपिंग करेंगे। और ये जो मेन फेज़ है ये बोर्ड में अभी कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे सब रूम के लिए इंडिविजुअल फेज़ यहाँ पे डाल दिया, जितना भी सारा रूम है उतना फेज़ यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो अभी इनकमिंग और आउटगोइंग फेज़ तो एक साथ कनेक्ट कर लिया, और एक जो मेन फेज़ यहाँ पे कनेक्ट करेंगे बोर्ड के साथ, मेन फेज़ भी दे दिया। और अभी कनेक्ट करेंगे न्यूट्रल का जो तार यहाँ पे लूपिंग करके छोड़ के रखा हूँ वो न्यूट्रल का वायर भी यहाँ पे कनेक्शन करेंगे, ठीक है। जो 2A स्विच के ऊपर में जो कनेक्शन छोड़ के रखा हूँ, देखिए यहाँ पे न्यूट्रल का वायर अभी कनेक्शन करेंगे। तो इन्वर्टर लाइन कनेक्ट हो गया, मेन फेज़ हो गया, अभी न्यूट्रल भी हो गया। और अभी करेंगे ऑन बाय ऑन करके जो लोड है, यानी कि लाइट, फैन, सब एक एक करके कॉम्बिनेशन करके कनेक्शन करेंगे, चेक करके, ठीक है, वन बाय वन करके कनेक्शन करेंगे धीरे धीरे, बिल्कुल हर बारी नहीं करेंगे, क्योंकि काम अच्छा भी लगना चाहिए, ठीक है। जो भी करेंगे वो टाइम लेके अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पे 2A स्विच के जो मिडिल वाला पिन है, जो कॉमन पिन, वहाँ पे फैन का जो वायर है वो कनेक्ट कर दिया। अभी टीवी के लिए जो ऑफिशियल कनेक्शन के लिए दो तार डाला हूँ, जो 2A स्विच के लिए, वो कनेक्शन करेंगे। 2A स्विच के ऊपर साइड में एक तार और नीचे साइड में एक तार, ठीक है। सिर्फ टीवी के लिए ही ऑफिशियल कनेक्शन किया, और बाकी दो, एक फ़ैन एक लाइट के लिए वन ऑफिशियल कनेक्शन किया, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्शन कर दिया। और अभी कनेक्शन करेंगे लोड यानी कि लाइट, जितना भी सारा लाइट है वो चेक करेंगे, पहले कहाँ पे कौन सा लाइट है वो चेक करके ऑन बाय ऑन करके कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे जितना भी सारा स्विच है कॉम्बिनेशन करके ही कनेक्शन करेंगे। ये वायरिंग का फुल वीडियो मेरे चैनल में है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा,
वहाँ से आप देख सकते हो पूरा वीडियो, तार कैसे डालते हैं, ठीक है, टू वे स्विच का कनेक्शन सब कुछ मेरे चैनल में है, वो लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अभी ऑन बाय ऑन करके लाइट चेक कर लेंगे लाइन दे के। यहाँ पे बोर्ड में जो न्यूट्रल का वायर है जो 5 पिन के लिए छोड़ के रखा हो, देखिए ये लाइट जो है जल रहा है, कहाँ पे गया वो देख लिया। और अभी स्विच में कनेक्शन करेंगे, कॉम्बिनेशन करके कनेक्शन करेंगे ऑन बाय ऑन करके। ये लाइट चेक करके इसलिए कनेक्शन कर रहा हूँ क्योंकि सीरियल वाइज जो स्विच है वो कनेक्शन होगा तो अच्छा लगेगा। स्टेप बाय स्टेप देखिए दूसरा लाइट ब्लू कलर जल रहा है, ये भी कनेक्शन करेंगे। अभी जो बोल रहा था ये कनेक्शन करने का यही फ़ायदा है जो सीरियल वाइज कनेक्शन होगा धीरे धीरे एक के बाद एक, ठीक है। तो यहाँ पे सारा लाइट का कनेक्शन जो है कर लिया अच्छे से। और यहाँ पे 5 पिन सॉकेट अभी नहीं लगाया क्योंकि मेरे पास अभी था नहीं, थोड़ा बाद में बोर्ड सेटिंग करने के बाद 5 पिन का सॉकेट जो है वो कनेक्शन कर देंगे। और 5 पिन के लिए कनेक्शन का जो वायर है वो भी यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे एक स्विच के ऊपर से एक वायर रख दिया और न्यूट्रल वायर भी रख दिया, और यहाँ पे रख दिया जो बॉडी अर्थिंग चाहिए अर्थिंग के लिए वो कनेक्शन भी रख दिया। और यहाँ पे बिल्कुल कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अभी दूसरा बोर्ड में आया हूँ कनेक्शन करने के लिए। तो पहले जितना भी सारा अर्थिंग का वायर है वो एक साथ कनेक्ट करके 5 पिन सॉकेट के ऊपर साइड में दे दिया। अभी कनेक्शन करेंगे जितना भी इनकमिंग आउटगोइंग जो न्यूट्रल का वायर है वो आपस में कनेक्ट करेंगे लूपिंग करके, एक तार निकाल के वो बोर्ड के साथ कनेक्शन करेंगे। जितना भी सारा न्यूट्रल का वायर है वो आपस में कनेक्ट करना होगा, अच्छे से कनेक्ट करेंगे, फिर प्लायर के मदद से कस देंगे, टेपिंग करेंगे। इनकमिंग न्यूट्रल, आउटगोइंग न्यूट्रल, जहाँ पे जो जो न्यूट्रल गया है जहाँ से आया है सब कुछ एक साथ कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के बाद देखिए प्लायर के मदद से अच्छे से कस देंगे, फिर टेपिंग करेंगे। अभी वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे इस वीडियो में कैसे बोर्ड का कनेक्शन करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा ये बोर्ड का सेटिंग कैसे करेंगे, वॉल के साथ माउंट कैसे करेंगे, ड्रिल करके लेवल करके वो सारा स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। और अभी ये न्यूट्रल का वायर भी कनेक्शन कर देंगे जो टू वे स्विच का ऊपर साइड में न्यूट्रल कनेक्शन के लिए यहाँ पे तार डाला हो वहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो अभी कनेक्शन करेंगे मेन फेज़ का। और मेन फेज़ ये जो बेड के पास बोर्ड है ये मेन फेज़ सिर्फ एसी के लिए ही डाल दिया, और मेन फेज़ से सिर्फ एसी ही चलेगा और बाकी सारा जो यहाँ पे कनेक्शन है वो इन्वर्टर से चलेगा, इसलिए इन्वर्टर का कनेक्शन भी करेंगे। और मेन फेज जो है सिर्फ एसी के लिए जो स्विच यहाँ पे कर दिया वो एसी के स्विच के नीचे में ही कनेक्शन करेंगे। देखिए कनेक्शन कर दिया एसी के जो आउटपुट इनपुट साइड है वहाँ पे स्विच एसी का स्विच में कनेक्शन कर दिया मेन फेज़। और अभी कनेक्ट करेंगे इन्वर्टर का कनेक्शन। देखिए इन्वर्टर का कनेक्शन भी कर दिया टू वे स्विच के नीचे में इन्वर्टर का कनेक्शन। तो इस रूम में टीवी के लिए जो बोर्ड है वो बोर्ड के पास से जो तार आया है अभी वो तार मेन फेस तार वो कनेक्शन करेंगे। जो टू वे स्विच है टू वे स्विच के मिडिल पिन में कनेक्शन करेंगे, कॉमन वाला पिन, देखिए यहाँ पे कनेक्शन कर दिया। और अभी कनेक्शन करेंगे जो फैन का वायर है यहाँ पे ब्लैक वाला जो तार है वो फैन का वायर है। यहाँ पे रेगुलेटर का दूसरा जो तार यहाँ पे बचा हुआ है, एक तार तो टू वे स्विच का कॉमन पिन में कनेक्शन हो गया, अभी दूसरा तार यहाँ पे अच्छे से कनेक्ट करेंगे फिर टेपिंग कर देंगे तो बिल्कुल कनेक्शन बराबर हो जाएगा। देखिए सब कुछ बराबर कनेक्शन हो गया। अभी क्या करेंगे जितना भी सारा वायर है वो ड्रेसिंग कर देंगे अच्छे से, टाई के मदद से ड्रेसिंग कर देंगे, ठीक है। देखिए टाई के मदद से ड्रेसिंग कर दिया, फिर माउंट करेंगे ऑल में, वो वीडियो रहेगा नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। और ये 12 मॉड्यूलर बोर्ड यहाँ पे कनेक्शन होगा, ये फेज़ वायर, न्यूट्रल वायर, ये जितना भी सारा वायर है इन्वर्टर का वायर, देखिए यहाँ पे तो ये 4 वायर जो है ये इनकमिंग सोर्स वायर, ये डबल टेप करके जो येलो वाला वायर है वो
इन्वर्टर वायर और बाकी सारा फेज न्यूट्रल अर्थिंग, ठीक है, और जितना भी सारा लोड है यानी कि लाइट फैन वो सब कुछ इस तरफ है, ठीक है। तो कनेक्शन करके देखते हैं। तो देखिए कनेक्शन बिल्कुल बराबर कर लिया। कनेक्शन करने के बाद ड्रेसिंग भी कर दिया, देखिए अच्छे से कनेक्शन कर दिया, फिर ड्रेसिंग कर दिया यहाँ पे। तो पहले जो स्विच बोर्ड कनेक्शन करने के टाइम में 5-pin सॉकेट अवेलेबल नहीं था, अभी अवेलेबल हो गया, लेके आया मार्केट से, तो वो कनेक्शन करेंगे बाहर से, ठीक है। तो पहले 5-pin सॉकेट में कनेक्शन करेंगे फेज न्यूट्रल अर्थिंग। देखिए ऊपर साइड में अर्थिंग वायर कनेक्शन कर दिया, फेज वायर कनेक्शन करेंगे, न्यूट्रल वायर कनेक्शन करेंगे, फिर जो है ऊपर साइड से पहले फिक्स करेंगे, ऊपर साइड में पहले फिक्स करेंगे, नीचे साइड से हल्का सा प्रेशर देंगे, ये अपने आप सेट हो जाएगा। देखिए अपने आप सेट हो गया, अच्छे से सेट हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही था, और नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो वॉल में कैसे माउंट करते हैं, ठीक है, बोर्ड कैसे सेट करना है वॉल में। अगर वॉल में जो GI बॉक्स है वो फिक्स है तो सही है, अगर फिक्स नहीं है, GI बॉक्स के बिना ही कैसे फिक्स करते हैं वॉल में, वो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे, कैसे मेज़र करना है, कैसे फिक्स करना है अच्छे से दिखाएंगे। और घर में जो टाइल्स लगा रहता है वो टाइल्स के ऊपर कैसे ड्रिल करना है, कैसे बोर्ड फिक्स करना है वो भी दिखाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।